खत्म हो जाएगी क्या? और 5 किलो ही खत्म हो जाएगी। क्या बात है, ये सब साफ करना है भाई, सबका सब साफ करना है। ऐसा लग रहा ना कि हमको भगवान जी यही काम के लिए बनाए हैं। चलो कोई लोग है ना, हमको यही सब करते हुए देखना चाहते हैं। सब उतारते हैं अंदर का बेटा, बोल रहे हैं कि ला दूं तेरे लिए। कैसा पत्ती है जी, हम कुछ नहीं करने वाले, आज हमारा रेस्ट डे है। पेट पापी है दोस्तों, कैमरामैन भाग रहा था, हम बोले नहीं हमारा ब्लॉग चालू करा के तो अब भागना है। अब जा रही हूँ आटा गूंदने, हाथ तो धो ली हूँ, क्या करें, पेट फेस तो धो लो, फेस भी यहाँ पे मट्टी लग रखी है। वो तो फेस पे लगा रहा, मट्टी में रहती हूँ तो मट्टी तो लगेगा ही, सब साफ करना पड़ेगा। आटा का नाम रखे इसमें दीदी आई है, इस घी का क्या इस्तेमाल लेती हूँ ये आपको आने वाला वीडियोस में पता चलेगा। ये बहुत ही मतलब प्योर घी है, हमें भैंस का घी नहीं चाहिए, प्योर घी गाय का चाहिए, इसलिए दीदी के पास गए हैं। अभी तक पता नहीं हम कौन है, कम ना करें काम, खाना बनाए खाए जाए। तो भाई आटा गूंद लेते हैं, काम तो बहुत सारा है दोस्तों, लेकिन पहले आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर कुछ बनाऊंगी। सर लाला जी लग भी गए हैं काम पे, बुला रहे हैं। लिखे जो खत जो तेरे नाम पे। क्या बात है भाई, पापा सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई ले आए हैं, मम्मी बोल रही है मुझे भूख लगी है। हाँ। पहले वो काम करूंगी फिर कोई और काम करूंगी। अच्छा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल जैसे तैसे अभी पेट अभी पालेंगे एक हफ्ता, उसके बाद फैशन से खाएंगे। अभी सिर्फ गुजारा करेंगे। तो मम्मी ने यहाँ पे खाना बनाना शुरू कर दिया है, रोटी सब्जी बनाएंगी। आज दोस्तों हम करेंगे पूरा साफ सफाई। तो भाई ये देखो कितने सारे डब्बे आ गए साफ करने के लिए। ऐसे ही बताए भैया राज, इस पूरे को साफ करने में कम से कम नहीं भी तो 1-1.5 घंटे तो ज्यादा लग जाएगा आराम से। 6 घंटा होने से स्टार्ट करें नहीं, मत पानी गिरे। अरे हाँ यार, उसके अंदर देखो कितने सारे बर्तन है यार, और जितना हो सकेगा अच्छे से साफ सफाई करेंगे। तो भाई पता नहीं कहाँ से यहाँ पे सांप की मुंह से गिर गई, निकाल देना फटाफट। ये लोटा में जल्दी गिरा दो अपना जान बचा के भागो भाई, जल्दी भाग। यहीं पर ही है वो, चली गई। चलो जान बच गई भाई, काटती तो नहीं है ना बा, जब तुम काटो उसको मारोगे तो क्या करेगी, वो तो काटेगी। अभी तो बस इतने डब्बे साफ हुए हैं और इसी में कम से कम 1 घंटा लग गया, और अभी तो इसको बस फुलाया ही फुलाया है, पर ये है कि जो साफ हुए हैं अच्छे से हो गए हैं। यहाँ पे चल रही है साफ सफाई, सब चीज़ निकाल दिया गया है, करना पड़ेगा पूरा। ओहो उधर बहुत साफ आई हुई है भाई, आई हूँ ऊपर से मस्ती करके, खाली बैठी हुई थी, अब बस थोड़ा सा देखते क्या क्या उधर सफाई हुई है। मुझे लगता है ना कि ये सिर्फ वीडियो के टाइम पे गाना गाती है, पूरे दिन ही गाना गाती रहती है। क्या बनाया आपने, सोयाबीन तो नहीं बनाया ना आपने? सोयाबीन मेरे को पता था क्योंकि आपने देख लिया और आपको तो लालच आ ही होगी, मैं जानती हूँ हमें यार सोयाबीन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या भाई ये कौन सोयाबीन की सब्जी है जिसमें तोरी होती है भाई? ये पूरा खाली हो गया है, यहाँ पे अभी हो रहा है, अभी दिखती उधर क्या क्या हुआ है। ये सब धूप में डाल दिए क्योंकि इस पर वो हो जाते हैं, गीला हो जाता है, नमी आ जाती है। और भाई इधर उजाला क्यों लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये गिर गया था तो हमने इसको हटा ही दिया। लग रहा है कि सफाई नहीं हुई लेकिन बहुत सफाई हुई है, बस
अभी धीरे धीरे अरेंज होएगा तब कुछ पता चलेगा। ना खाने का टाइम है, खाना ना खाते बंद करो काम नहीं होगा। अब लंच टाइम हो गया, ले लीजिए पानी पी लीजिए, चलिए लंच करने। चलिए जी, हाथ धो लीजिए, हाथ साबुन से धोइए। लंच जब भी होगा, जब आप इधर 500 रुपये का नोट देंगे तब वो देंगे। अभी चलो हाथ धो के पानी पियो। पूरा काला पीला मुंह कर लिए, हाथ धो लिए। जंग नहीं रहना चाहिए, जंग हाइजीनिक जंग्स जर्म्स मम्मी जर्म्स। का हम खाना खाएंगे, पेट पापी ये काम करवाता है सारा। तो दोस्तों बोल रहे हैं पहले का लाइफ बड़ी आसान था, पहले यही टेंशन रहता था कि क्या खाना बनाएंगे सुबह, क्या बनाएंगे शाम को, क्या बनाएंगे रात को, बच्चे क्या खाएंगे, पति क्या कहाँ गए, कहीं और तो नहीं गए, ये सब टेंशन रहता था। अब आजकल इतना टेंशन है कि वीडियोस पे व्यू आया कि नहीं, इंस्टाग्राम पे लाइक आया कि नहीं, कमेंट आया कि नहीं, कोनो गड़बड़ कमेंट तो नहीं कर दिया, ये सब टेंशन लेके माथा ना एकदम पूरा दही बन जा रहा है। इतना बड़ा टेंशन है, ये फोन सबसे बड़ा टेंशन है, नारद मुनि है, ये फोन सब करवा रहा है। देखिए हमारा फोन में क्या चल रहा होगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे। पहले लॉक खोलने दीजिए, ये देख रहे हैं खाली कमेंट है, अभी ओपन किए हैं कि कोनो गलत कमेंट तो नहीं आ गया। आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा दोस्त है जवाब देने के लिए। चलो भाई खाना खा लेते, खाने ले आओ सब बैठे। तो ये लाइफ ना माजानदी लाइफ है। रात को सोने से पहले देखिए कि भाई वीडियो पर भीड़ जाया कि नहीं, और सोने उठने से पहले देखिए। मेरा तो आदत पता है 10 साल से बन चुका है कि उठने से पहले सूतने से पहले देखती हूँ कि क्या हुआ हमारे चैनल पे, उथल पुथल तो नहीं मचाया। हाँ आज जिस दिन हैक हुआ था ना, उस दिन हम देख दाख के सो गए 10 बजे, और उसके बाद काम हो गया था। देख के सोई, उसके बाद काम हो गया था। तो सलाद में काट चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ। रोटी बनाने का थकान हो जाता है, रोटी थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ता है। अथी रहते हैं तो थोड़ा ज्यादा ही बना देते हैं डॉग लोगों के लिए भी, और नहीं रहते हैं तो चाची देती है, अगल बगल के लोग खिलाते हैं। सबका दाता भगवान है, हम किसी का नहीं कोई। बहुत से दोस्त बोलते हैं ना कि तुम दिखावा करती रहती हो, तो जानवरों को प्यार करती हो, नहीं तो नहीं करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतने दुनिया में बहुत सारे डॉग हैं, हम सबका थोड़े ना कर सकते हैं जी, एक का दो का कर ले वही बहुत है। आज सब लोग एक एक दो दो का करने लगे ना तो उनका लाइफ बदल जाए, डॉग कभी भूखा ना रहे। लेकिन जितना कतनी जथा शक्ति तथा भक्ति करनी चाहिए, तो 2-4-5 बना देती हूँ एक्स्ट्रा। तो 5 फैमिली का रोटी बेलना मान के चलिए 7-8 फैमिली का तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, तो घंटा भर लग गया बनाई। लाला जी तो अभी साफे सफाई कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे कहाँ रहते हैं, वो नहीं काम करते हैं। बहुत लोग बोलते भी हैं कि तुम्हारे बच्चे बड़ी वो कामचोर हैं। अब बहुत लोग जो समझदार लोग हैं ना समझ जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग समझदार हैं, अब बहुत कम लोग नहीं बोलूंगी। तो कभी कभी दुख लगता है कमेंट के चक्कर में। दोस्त हमारे बोलते हैं कि कमेंट के वो रिप्लाई मत कीजिए, जो अच्छा कमेंट करते हैं उन्हीं का रिप्लाई कीजिए। अभी तो अभी हम दोस्तों इतना बिजी हैं, कमेंट आप लोगों का सारा देखती हूँ, पास में आती है तो दिख। मच्छर तो भाई यहाँ लूट ले रहे हैं, एकदम हारा हूँ सी, मतलब कंपटीशन लगाए हैं कि कौन कितना खून पी पाता है, ऐसा कंपटीशन लगाए हैं। और काम तो काफ़ी है भाई दोस्तों, लेकिन आप और हम मिलके कर लेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का। आ जाओ भाई, हम ही खाली खाएंगा। अभी हम लोग खाएंगे सलाद, फिर उसके बाद खाएंगे सब्जी रोटी। देखिए खाना लेके अंजलि आ भी रही है, एक एक करके लिए ना, नहीं तो गिर और जाएगा ना, कुछ नहीं गिरेगा। तो पापी पेट का सवाल है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है आजकल का ब्लॉग कमेंट में। हमें हमेशा इंतजार रहता है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों का कि कब कमेंट आएगा। तो सारा समस्या आपको बताइए दो दी में कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पहले का लाइफ बढ़िया आसान था सच में दोस्तों। अरे भाई घंटी बज गया है, जल्दी आ जाओ, आधा घंटे के बाद लंच ओवर हो जाएगा, फिर हमको मत बोलिएगा। आधा घंटा मात्र मिला है लंच के लिए, ओवर हो जाएगा तो हम नहीं जानते हैं। देखिए कितना सारा रोटी बनाई हूँ, आपको दिखा देती हूँ। इस छोटा वाला कठरा में एक कठरा रोटी बनाई हूँ, देख रहे हैं। सोयाबीन का सब्जी है आज का, दही दीदी दे गई है, सलाद है, यही खा लेते हैं आज का लंच फिनिश। मुँह में पानी आ गया दोस्तों खाने से पहले ना, इतने दोस्तों का मुँह में पानी आता है, मेरा तो अक्सर आ जाता है। भाई
हो जाएगा। दोस्तों आप लोग याद कर रहे हैं हमको, सलाद खा के खांसी आ गया। सलाद खा रही थी, देखिए आँख में से आंसू आने लगा। तो दोस्तों सलाद खाना बहुत जरूरी। हाथ को, हाँ हम खा लिए सलाद, हाथ को साफ कर लिए ना, हाइजीनिक। हाँ हमारा कोई भी दोस्त बोला, हमारा कोई भी दोस्त बोला कि हाइजीनिक नहीं है, तो समझ लियो मेरा इन आज्ञा का पालन करो। अब देख रहे हैं हम सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद आपको पता ही है काम रह गया था काफ़ी सारा, और मम्मी ने भी हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है, और हमने मम्मी का डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है। तो मम्मी यहाँ पे काम वाम सारा जो भी था ये सब बर्तन वर्तन साफ कर रही हैं, और इधर हमने सुखा रखी थी चटाई, मैं चटाई साफ़ कर रहा था, पर पापा ने यहाँ पे मतलब जो भी चटाई थी सबको एक तरफ कर दिया था, सुखा दिया था। सब धीरे धीरे हो रहे हैं, अब जाके इसका नंबर आया है, इसको कम से कम 5 घंटे हो गए हैं, उसके बाद अब हम इसको साफ कर रहे हैं, देख रहे हो। पर ये सारा हमारा लकड़ी वकड़ी का सामान है, बताओ कहाँ कहाँ से मम्मी ने इकट्ठा करा है। अरे पापा सामान मन चेक कर रहे हैं, जैसे कि जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला है ना उसको यहीं रख दे रहे हैं। तो भाई मैंने भी अब टीम ज्वाइन कर ली है, मम्मी मेरे को आती बोल रही है जा जा जा। तो भाई यहाँ पे ना हर एक बर्तन के लिए कहानी है, जैसे कि ये वाला अलग ही है, ये हमने बिहार में लिया है, इससे मतलब हर बर्तन के लिए अलग अलग है। ये वाला हमने सोनपुर से लिया है, ये कहीं और से लिया है। भाई गोबर ओबर लेने के लिए आए थे, यहाँ पे गाय है तो गोबर तो मिल ही जाएगा। क्या बात है भाई, यहाँ पे सही है ना गोबर, यहाँ पे गोबर बहुत सारा है, तो जितना चाहिए उतना ले ले रहे हैं। ये आ गया गोबर, चलो। और यहाँ पे पापा सारी मिट्टी को मतलब जो पीली वाली मिट्टी होती है ना जैसे लीपा जाता है, देखो ये पीली पीली कलर की दिख रही होगी हल्की और ये काली दिख रही है, तो उसी तरीके से जो ये मिट्टी है पीली वाली है इसी को क्या करेंगे, तो एकदम बारीक बारीक कर दिया पापा ने। बारिश से यही फायदा हुआ है कि मिट्टी भिंगानी नहीं पड़ी, फटाफट गल जाएगा। तो भाई सारा हमने गोबर एक तरफ कर दिया है, मिट्टी फुला रखी थी, हेलो दोस्तों नमस्कार। आज करेंगे अपनी जो मड़ई क्या पूरा एकदम प्लास्टर कर डालेंगे, प्लास्टर यानी कि पोताई। पुराना पुराना गोबर लिया भैया, जो मिलेगा वही तो लाएंगे ना। आज वो बगल से था, वो बगल से बहुत सारी मिट्टी की जरूरत है। चलो भाई जो कसर बाकी थी पूरी हो गई है, मन तो करो ताकि पाका बना ली, लेकिन ये गोबर मिट्टी से ना शुद्ध हो जाता है और बहुत ही बीमारी भगाता है, बीमारियों से लड़ने का ताकत देता है गोबर माटी। लेट्स गो स्टार्ट स्टार्ट। तो यहाँ से ये टूट गया भाई, क्या कर रही है? मम्मी और पापा मिलके लगा रहे हैं, अभी भी मैंने लगा दिया कि मच्छर अच्छर ना काटें मम्मी और पापा को, मैं भी अपने लगा ले रहा हूँ और पानी उन्हें देता रहूँगा, वैसे पानी तो कम ही इस्तेमाल होगा। चूल्हा महाराज सूख जाना कल तक।
ये देखो यार, शाम का समय हो गया है, और शाम का समय क्या, शाम ही हो गई है यार, पूरी पूरी शाम हो गई है, और अब जाके ये ख़त्म हुआ है। ख़त्म होने के बाद सबसे पहले मैं चला गया था नहाने, और उसके बाद मम्मी पापा ने नहा लिया है, और फिर पानी भी ऊपर ख़त्म हो गया था, पानी भी लेने आया था, तो मम्मी ने बोला कि ओट्स बना रहे हो। हाँ मिल गया, वही तो कोलगेटा जो आपके हाथ में है, यही है बा, अभी तो डब्बा निकाला है इसका, और ऊपर पानी भी ख़त्म हो गया था टंकी में, तो वो भी चलाया है, और मम्मी बना रही हैं ओट्स। मम्मी ने बोला कि मैं ओट्स बना रही हूँ, मैंने कहा ठीक है भाई। ये बन रहे हैं हमारे ओट्स, वो भी बढ़िया वाले, मम्मी बना रही है तो बढ़िया तो बनेंगे ही ना भाई, है ना मम्मी। भाई मैंने है ना अभी, मैंने अभी कोई फिल्टर नहीं लगा रखा है, देख रहे हो कैसा कलर आ रहा है। ओ इसको ज़्यादा देना पापा, ये ना बहुत शैतान है, किसी को कुछ नहीं खाने देगा, किसी को भी। मंदिर में पूजा वूजा हो रही है, आज अलग सी शाम हुई है ना पापा, लाल लाल कलर की। दादी दादी पूजा कर रही हैं, भाई चांद भी निकल गया है, पर जो ना अभी देख रहे हो ये हल्का सा रेडिश दिख रहा होगा आपको, पूरा मेरा हाथ भी देखो रेड रेड दिख रहा है हल्का हल्का।